राउंड रेट जो कि मैंने सेक लिया है, एंड ये आप देख सकते हैं, ये टप्पा रखा है ढक्कन के साथ प्री वर्कआउट का। तो ये मैं प्री वर्कआउट ले रहा था और ये अभी ख़त्म होने को आया है, तो इसको एकदम लास्ट में इसलिए मैंने इसको निकाला है चम्मच से। सो ये मैंने अपने शेकर में डाल लिया, तो ये लेके जाऊंगा अभी, और अभी ले रहा हूँ 2 बॉयल्ड एग। सो ये खाता हूँ और निकलता हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय फ्रेश न्यू वीडियो। आज की वीडियो में एंड ब्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ मैंने वर्कआउट में क्या क्या किया। सो सबसे पहले वार्म अप करने के बाद मैंने स्टार्ट किया डेडलिफ्ट से। सो डेडलिफ्ट के मैं लगाने जा रहा हूँ 4 सेट, एंड ये कर रहा हूँ, ये मेरा वार्म अप सेट है अभी। सो वार्म अप सेट में करीब मैं अपने आप को पूरे फ्री करता हूँ एक लाइट वेट में प्रॉपर जितना कर सकूँ, एंड उसके बाद मैंने यहाँ से प्रॉपर वेट उठाना शुरू किया। और इसके मैंने 3 सेट किए और 10-10 रेपिटेशन के किए। हर सेट के बीच में मैं जब तक मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है उतना मैं गैप करता हूँ। और डेडलिफ्ट एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट है आपके फुल बॉडी के लिए। और उसके बाद जो सेकंड था वो मैंने किया अपना लैट पुल डाउन। सो लैट पुल डाउन 3 सेट किए 15-15 के, एंड हर सेट में ब्रीदिंग के नॉर्मल होने तक मैंने रेस्ट लिया है। सो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, रेस्ट जितनी आपकी ब्रीथ नॉर्मल हो उसके बाद। और उसके बाद जो मैंने ये स्टार्ट किया 3rd सेट, ये है अपना बारबल रोइंग। सो बारबल रोइंग में करने जा रहा हूँ 3 सेट, और इसमें मैं जो रेपिटेशन है थोड़े ज़्यादा करूँगा 15-20, एंड वेट मैंने थोड़ा कम ही रखा है, मैं अपने रेंज ऑफ मोशन में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। उसके बाद ये मैंने किया केबल बेंड पुल ओवर। सो ये आप बहुत अच्छा वर्कआउट है आप अपने बैक के लिए मिड में, एंड आपके जो लैट्स है दोनों में अच्छा इफेक्ट आता है। और ध्यान दीजिए जब भी आप होल्ड करेंगे तो वाइड ग्रिप रखेंगे, तो ये मैंने किया उसके बाद। और उसके बाद जो हम सबका फेवरेट है, मेरा तो बहुत फेवरेट है, ये होता है डंबल रोइंग, सिंगल आर्म रोइंग। सो ये मैंने 3 सेट किया। आप हमेशा इस प्रकार का बेंच लीजिए ताकि आपका जो बैलेंस है वो प्रॉपर बने। सो ये मैंने 3 सेट किया। उसके बाद मैंने किया सिटेड रोइंग अपने जिम के मशीन में। मैं तो केबल से ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट मैंने मशीन में 1-2 सेट किया। एंड उसके बाद मैंने किया यही सेम वर्कआउट केबल में। सो केबल का जो इफेक्ट है वो अलग ही है, एंड ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है पर्सनली। आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, बट अभी मेरा फ़िलहाल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रहा है तो मैं थोड़ा अलग प्लान के हिसाब से दोनों वर्कआउट कर लिए। आप देख सकते हैं दोनों में पकड़ने का फॉर्म अलग है। सो ये मेरा वर्कआउट कुछ इस प्रकार से हुआ। उसके बाद मैंने बाइसेप स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने प्रीचर कर्ल से स्टार्ट किया। सो प्रीचर कर्ल करने का कारण ये था कि जो कंसंट्रेशन बन साल में बन जाता है वो प्रॉपर अच्छा बनता है, पीक पे आता है, तो इसलिए मैंने प्रीचर कर्ल किया। इसके भी मैंने 3 सेट किए। वेट बहुत ज़्यादा नहीं लिया, जितना मैं ईजिली उठा सकता हूँ लिफ्ट कर सकता हूँ उतना ही वेट मैंने लिफ्ट किया, उससे ज़्यादा नहीं लिया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बाइसेप स्टैंडिंग कर्ल। सो ये मैंने बारबेल स्टैंडिंग कर्ल किया, और इसके मैं लगाऊंगा 3 सेट, एंड इसमें हर सेट में मैं अपने वेट को इंक्रीज करूंगा। सो 10, 12, 15 ऐसे करके मैं वेट लगाऊंगा। सो ये था मेरा आज का वर्कआउट का लास्ट वेरिएशन। वर्कआउट हो चुका है, अभी जा रहा हूँ घर पे, मैं लेता हूँ अपना मील। सो दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपने घर, शावर वगैरह ले लिया हूँ। अभी नीचे की बॉडी नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा फैट है, जब फैट लॉस हो जाएगा तो फुल बॉडी आपको रिवील करूंगा। अभी शावर वगैरह ले लिया, अच्छा फ्रेश लग रहा है, एंड पंप भी है बॉडी अच्छी खासी। सो अब जाता हूँ जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ और जाता हूँ अपने किचन में, एंड बनाता हूँ अपना आज का जो डिनर होने वाला है मेरा ड्यूरिंग माय ट्रांसफॉर्मेशन। सो वो उसको मैं तैयार करूँगा। सो पहले जाता हूँ किचन में एंड स्टार्ट करता हूँ अपना आज का रात का डिनर। तो वर्कआउट के बाद जो मेन चीज़ है वो है वे प्रोटीन। सो अभी मैं यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप प्रोटीन किसी भी फॉर्म में लीजिए, आप एग से भी ले सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल था और मैं एग बॉयल नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको ले रहा हूँ। सो ये शेक करता हूँ, पीता हूँ, फिर अपना डिनर प्रिपेयर करता हूँ। सो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने किचन में, और अभी मैं आटे को मिक्स कर रहा हूँ। और अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं या फिर आप जिम करते हैं तो आपको अपना कुकिंग आना चाहिए। सो रोटी बनानी है इसलिए मैं आटे को मिक्स कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरी मम्मी है बाहर आउट ऑफ स्टेशन, सो मैं अकेले हूँ घर पर, तो अभी फ़िलहाल सब अपने से करना पड़ रहा है, तो इसको अच्छे से करता हूँ मिक्स, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बनाऊँगा साथ में इसके। ये बन गई है रोटी, अब देखिए कैसी बनी है, जली जली और कड़क सी, बट ठीक है, हेल्दी है। सो ये रोटी एक, और ये रोटी दूसरी वाली, सो इसको भी अपन घुमा लेते हैं। सो ये सब करना पड़ता है गाइस। सो रोटी तो बन गई है दोस्तों, और ये अभी बन रहा है मेरा रात का डिनर वाला जो मैं साथ में खाऊंगा। सो ये पनीर है, इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, एंड मैंने लिया कैप्सिकम, थोड़े से अजवाइन डालें। सो ये अच्छे से मिक्स करूँगा और इसको तवे में सौते करूँगा,
और 1 स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल डाल के दैट्स इट। और बहुत ज़्यादा कुक नहीं करूँगा, थोड़ी सी इसको कच्चे रहने दूँगा ये सब चीज़ों को। सो ये एंड साथ में ये, सो ये चीज़ आपको करनी पड़ती है जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, तो मेन चीज़ें यही होती हैं, डाइट। और ये कुछ इस प्रकार से हो चुका है रेडी, अब इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे प्लेट में। सो दोस्तों ये मेरा है रात का डिनर, आपने देख लिया पनीर में किस प्रकार से बनाया, ये रोटी, दैट्स इट। सो ये खाऊंगा, साथ में लूँगा एक मल्टीविटामिन। सो मैंने अपना सारा कुछ आपको शेयर किया, डिनर वगैरह मैं क्या क्या खाता हूँ, कैसे खाता हूँ, और वर्कआउट भी अच्छा हो गया। अभी आ रही बहुत ज़्यादा नींद, खाना वाना खा लिया हूँ। सो आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव होगा आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मैं जो भी वर्कआउट करता हूँ आप लोग उसको देख के कर सकते हैं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रही है, थोड़ा सा नींद भी आता है क्योंकि वर्कआउट हैवी करता हूँ और दिन में मेरे और भी काम है जिम के अलावा भी, सो भी करता रहता हूँ। सो इसलिए सॉरी मच्छर आ गया था, तो इसलिए अभी थोड़ी सी नींद आ रही है। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड फिट रहिए। कल मिलते हैं फ्रेश न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए आपका बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।